कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू ने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हत्या के लिए सिंधिया परिवार को कटघरे में खड़ा किया और कहा अपने पूर्वजों की गलती के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया माफी मांगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले प्रदेश का राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। सभी कांग्रेसी सिरे से ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने में लगे हैं। कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू ने एक बार फिर सिंधिया परिवार पर निशाना साधा और उन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। गुड्डू ने कहा सारा देश सच जानना चाहता है, ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पुरखों की गलती के लिए माफी मांगना चाहिए। सिंधिया परिवार, चलो तुम्हारे पूर्वजों से गलती हुई है, झांसी की रानी की हत्या हो गई, करवा दी आप लोगों ने, अंग्रेजों का आपने साथ दिया, तो बाप दादों ने जो गलती की है उसकी माफ़ी की बात कर रहा हूँ। सुधर तो नहीं सकती है वो, लेकिन अपने माता पिताओं ने कोई गलती की है तो उससे माफ़ी तो मांगी जा सकती है। ये इन लोगों से, इस परिवार से को इतना घमंड है कि आज उनसे माफ़ी मांगने में क्या प्रॉब्लम है। पूरा देश जानता है, पूरे इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में ये लिखा कि सिंधिया परिवार का नाम जब आता है, रानी झांसी का नाम आता है, तो उनकी हत्या सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों से मिलकर की थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।